कह दो ललकार के दुनिया से, मोदी को फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे, जिसने राम का मंदिर बनाया उसके सर पर ताज सजाएंगे अपनी। जब हम वोट डालने जाते हैं ना, तो हम किसी की शक्ल नहीं देखते। मोदी जी की शक्ल कोई बहुत अच्छी नहीं है, क्या बहुत सुंदर लग रही है, तो हम वोट डाल देंगे। देखिए वो कितने किसान हैं आज, क्या सिर्फ किसान पंजाब के अंदर ही है, क्या किसान मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में नहीं है? देखिए वो सबको पता है कि वो एक पर्टिकुलर पैसा कहाँ से आ रहा है, फंडिंग कहाँ से आ रही है। अब मेन बात अब उसके ऊपर आते हैं। पहली बात, जैसे कहा था कि भारतीय, अगर कोरोना से पहले वो लोग सेवा कर रहे थे तो भारतीय थे, आज अगर वो बॉर्डर पर अपनी मांग के लिए बैठे हो तो आज उन्हें खालिस्तानी, आतंकवादी, पता नहीं किन किन नामों से आज उन्हें पुकारा जा रहा है। पर जो अपने हक के लिए बैठे हों, आंदोलन करने के लिए बैठे हों, आज उन्हें खालिस्तान इनके नाम से पुकारा जा रहा है, तो डंका बज रहा है विदेश में, इसका बहुत अच्छा डंका बज रहा है कि कैसे गोलियां चलाई जा रही हैं उनके ऊपर, कैसे बुलेट चलाए जा रहे हैं उन लोगों के ऊपर, कैसे उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छेड़े जा रहे हैं। कौन सा हल लेके आए हैं किसानों का? हथियार था हल, वो लेके आए तलवारें, तलवारें और पत्थर फेंक रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई गोली नहीं चलाई। बताया कि वो तलवारें लेके आए हुए हैं या बहुत सारे हथियार लेके आए। मैं कहूँगा भाई को एक वीडियो मुझे दिखा दें जिसके अंदर तलवारें लेके आए हुए हैं, और मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसके अंदर गोली चलाते हुए पुलिस वाले साफ नजर आ रहे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वीडियो दिखाऊंगा जिसने वो से ट्रैक्टर लेके सीधा पुलिस वालों पर चला दी, मेरे पास ऐसी वीडियो है। बंधन नहीं करूंगा, अपने बच्चों की कसम। कांग्रेस पार्टी आप हैं तो वही पार्टी आज गठबंधन करके आ रही हैं, तो अपना वो सब कुछ भूल गए, पिछला वो दोगले हैं और कहते गिरगिट के रंग बदलते हैं, उनका जींद मार कुछ नहीं है। जमुना जी साफ हो गई, डुबकियां लगा दी, पूरी पूरी जमुना में डुबकियां लग गई, कूड़े के पहाड़ भी साफ दिख रहे हैं, कूड़े के दिल्ली को लंदन में। तो आप उनको बिना किसी बात के खालिस्तानी बोल देते हैं, कहाँ की तहजीब है ये? किसने सिखाया, किसने ये नैरेटिव खड़ा किया, कौन जवाब देगा इस चीज का? अरे हमको क्या पसंद है, जब केजरीवाल ये बोल रहा था कि हम आते ही पक्के कर देंगे, हमें 15 साल होगी 16 साल होगी, आज तक हम परमानेंट नहीं करे गए है? तो हमारा क्या करेगा वो? दुनिया के पानी करो या किसी के लिए क्या करो, हमारे बच्चे छोटे हैं तो हम बच्चों को कैसे पालेंगे? आ रहा है लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार, आप कितने हैं तैयार? नमस्कार, आपके साथ हूं मैं आरजू दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। लोकतंत्र में सबको बोलने की आजादी है, इसीलिए आप यहाँ खुलकर बोल सकते हैं, खुलकर अपनी आवाज उठा सकते हैं, बता सकते हैं हमें इन 5 सालों में आपके इलाके में सांसद ने क्या काम किया है और क्या खामियां रह गई हैं। इसीलिए तो हम आपके लिए लेकर आए हैं बोल भारत बोल। तो इसीलिए बोलिए और खुलकर बोलिए। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली की जनता के बीच, जहां हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद है, कांग्रेस के कार्यकर्ता और दिल्ली की जनता। जी हाँ, कृष्णा नगर इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम बोल भारत बोल। किससे पहले सवाल किया जाए, क्या काम किया है आपके इलाके में 5 सालों में सांसद? बहुत सड़कों की मरम्मत, लाइटों की, बहुत कुछ काम हुआ है यहाँ पर, और साथ की सातों सीट बीजेपी इस बार जीत के जाएगी। अभी बोला कि सात की सातों सीटें बीजेपी जीत के जाएगी, लेकिन ऐसा तो कुछ सुनने में आ रहा है कि 4 सीटें आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और 3 पर कांग्रेस लड़ रही है, तो क्या लगता है बीजेपी अब की बार पूरी धमाकेदार टक्कर देगी? देखो ऐसा जी, जब हम वोट डालने जाते हैं ना, तो हम किसी की शक्ल नहीं देखते। मोदी जी की शक्ल कोई बहुत अच्छी नहीं है, क्या बहुत सुंदर लग रही है, तो हम वोट डाल देंगे। हम डालते काम को, काम को सलाम होता है। अगर मैं काम किनारे बैठूं तो आपका पूरा टाइम खत्म हो जाएगा, काम खत्म नहीं होंगे। शुरू करते हैं फिर। धारा 370 16AA राष्ट्रीय महामार्ग डिजिटल, अगर हम राष्ट्रीय महामार्ग को ले लें तो मैं आपको बताना चाहूंगा 75 किलोमीटर रोड 105 घंटे 3 मिनट में बनाई गई, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था। और वो रिकॉर्ड पता क्या तोड़ा गया था? पूरा चिट्ठा लेकर आए हैं सर। उसका रिकॉर्ड मैं बताता हूँ, उससे पहले का जो रिकॉर्ड था 25 किलोमीटर 10 दिन, और हमारे गडकरी जी ने बनाया 75 किलोमीटर 105 घंटे और 33 मिनट के अंदर। क्या एक उपलब्धि नहीं है? काम को सलाम है। आज अगर हम डिजिटल को देखें, डिजिटाइजेशन करने से बेनिफिट क्या हुआ ये बताता हूँ आपको।
पहले अगर मैं अंबानी अडानी को तो छोड़ देता हूँ, मैं रेड़ी वालों को लेता हूँ। पहले रेड़ी वाला सामान बेचता था और घर जाता था, वो सेल करता था, 3,000 रुपये बटता था, घर वाले को बताता था 2,000 बटते 1,000 अंटी में, क्योंकि दारू पीनी थी। अब हो गया डिजिटाइजेशन, सारा पैसा अकाउंट में, बीबी भी चेक करती है कितने की सेल हुई और घर वाला भी चेक करता है कितने की सेल हुई, किसको कितनी पेमेंट देनी है, किसको, इसको किराने वाले को या दूध वाले को या किराए वाले को, घर वाले पे नहीं बचता दारू पीने के लिए पैसा। अब हो गया डिजिटाइजेशन, ये क्या उपलब्धि नहीं है? एक छोटे से छोटा जो औरत जो अबला मरती थी कि मेरे हाथ में पैसा आए तो मैं बच्चों को पालूं, अब टेंशन नहीं है। अगर हम देखें डिजिटाइजेशन को अपर रूप में, तो देखो रुपए कार्ड को, अगर रुपए कार्ड को आज चले हुए जनधन योजना जब आई थी तब रुपए कार्ड लॉन्च किया गया, तब मार्केट उसका जो शेयर था 0.5% था। 0.5% को मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर दूं, 1,00,000 रुपए के अगर हम दुकानदार सेल करते थे तो 0.5 का मतलब है हमारे को 5,000 रुपए रुपए कार्ड से आता था। आज आपको जान के बड़ी खुशी होगी 67% मार्केट शेयर रुपए कार्ड का हो गया, यानी कि 1,00,000 की अगर सेल होती है तो 67,000 रुपया रुपए कार्ड से आता है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज मास्टर वीजा बैक मार गए, मास्टर वीजा अगर हम समझते हैं मास्टर वीजा, व्हाट इज द मास्टर वीजा, मास्टर वीजा यूएस के कार्ड है, आज यूएस को पीछे धकेल दिया उसको पीछे, आज यूएस पीछे लगे हुए हैं। मास्टर और वीजा को डाइनर्स को बंद कर दो, और हमारे मोदी जी सिर्फ रुपए कार्ड को लॉन्च कर रहे हैं और रुपए कार्ड को बढ़ावा कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से हर व्यक्ति को मैं कहना चाहूंगा, अगर बैंक में जाते हैं तो रुपए कार्ड की डिमांड करें कि हमें रुपए कार्ड चाहिए। अगर वो मास्टर वीजा देता है उसको नेगलेक्ट करो। आपको एक बात और बताता हूँ, छोटी सी बात बताता हूँ, आज आपका जो चैनल है, चैनल हम किसी ना किसी उसके माध्यम से देखते हैं, आपको बड़ी हैरानी होगी डिस्कवरी चैनल बाहर का है, उसे हम चार्ज नहीं कर सकते रुपए कार्ड से, वो मास्टर वीजा से चार्ज होगा, क्योंकि उनका है ना। तो जब वो अपने कार्ड को लेकर के इतने संवेदनशील हैं तो रुपए कार्ड के लिए हम संवेदनशील क्यों नहीं होंगे? हम भी रुपए कार्ड से चार्ज करेंगे, नहीं देखेंगे डिस्कवरी। चलिए 2024 का सबसे बड़ा ऐलान मोदी जी का, 400 पार, क्या लगता है कहां से हो पाएंगे 400 पार, कैसे हो पाएंगे? देखिए, जो अगर आप जनरल पब्लिक से बात करेंगे, आज हर जो पब्लिक का व्यक्ति है आज वो गर्व से कहता है कि मैं भारतीय हूँ और मैं भारत का नागरिक हूँ, क्योंकि भारत के नागरिकों को पूरे विश्व में कहीं भी उन पर अगर दिक्कत आए किसी देश में, चाहे यमन में, चाहे इराक ईरान में, कहीं भी भारतीय जो दूतावास है, भारतीय सरकार है, उन्हें वहाँ से लेकर आई, चाहे अफगानिस्तान में, जब पूरा विश्व देख रहा था कि अपने नागरिकों को हम कैसे बचा के लाएं, उस समय भारत के नागरिक आराम से हवाई जहाज में बैठ के भारत में आ रहे थे। तो हर भारतीय का जो सिर है वो गर्व से ऊपर है। दूसरा, भारतवासी अभी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि देश के किसान वहाँ पे बैठे हुए हैं और मोदी जी बाहर हैं। देखिए, वो कितने किसान हैं आज, क्या सिर्फ किसान पंजाब के अंदर ही है? क्या किसान मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में नहीं है? देखिए, वो सबको पता है कि वो एक पर्टिकुलर पैसा कहाँ से आ रहा है और कैसे वो आंदोलन चल रहा है। एक मिनट, कहाँ से आ रहा है वो पर्टिकुलर पैसा? मैं उसी बात के ऊपर आने वाला था, आपने बहुत अच्छा मुद्दा छेड़ दिया कि किसान वहाँ पे बैठे हुए हैं। मध्य प्रदेश के किसान आ रहे थे जिन्हें अरेस्ट कर लिया गया ट्रेन के अंदर, राजस्थान के किसान आ रहे थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। फंडिंग कहाँ से आ रही है, मेन बात अब उसके ऊपर आते हैं। पहली बात, जैसे कहा था कि भारतीय, अगर कोरोना से पहले वो लोग सेवा कर रहे थे तो भारतीय थे, आज अगर वो बॉर्डर पर अपनी मांग के लिए बैठे हो तो आज उन्हें खालिस्तानी, आतंकवादी, पता नहीं किन किन नामों से आज उन्हें पुकारा जा रहा है। फंडिंग के लिए वहाँ पर जाएंगे तो हर बंदा अपने लेवल पर किसी न किसी तरीके से वहाँ पर सेवा कर रहा है। बहुत सारी संस्थाएँ हैं जो वहाँ पर लंगर चला रही हैं। अभी आपने देखा था कि जब पुलिस फायरिंग के अंदर एक लड़के की अंदर मौत हुई है और पुलिस वालों ने पंजाब के अंदर आके जैसे ट्रैक्टरों को, उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, तो उस बंदे का नाम भूल गया, पाताड़ा जगह जहाँ से बंदा था जिसने सेवा करके पूरे ट्रैक्टर की, जिनका नुकसान हुआ था, सेवा करके उनका सारा नुकसान भरा। बहुत ऐसे लोग जो वहाँ पर पहुँचे जिन्होंने जो भी वहाँ नुकसान हुआ था उन लोगों का नुकसान भरा, तो ये फंडिंग वहाँ से आ रही है। आज उन किसानों के ऊपर जो अपने हक के लिए बैठे हो, आंदोलन करने के लिए बैठे हो, आज उन्हें खालिस्तान इनके नाम से पुकारा जा रहा है, तो डंका बज रहा है विदेश में, इस चीज़ का बहुत अच्छा डंका बज रहा है कि कैसे गोलियां चलाई जा रही हैं उनके ऊपर, कैसे बुलेट चलाए जा रहे हैं उन लोगों के ऊपर, कैसे उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छेड़े जा रहे हैं, बुज़ुर्गों तक के ऊपर। एक लड़का जिसको बोरी के अंदर डाल के अपनी सरहद में लेके हरियाणा के अंदर लेके जाके इतनी बुरा तरीके से मारा गया, जिसमें उसका गला, जबाड़ा, पता नहीं क्या क्या तरीके से उसको मारा गया इतनी बहरामी के साथ, क्या वो बातें नहीं था? अभी तो आप लोग बड़ा चीख रहे थे, आप शांत कैसे हैं?
हाँ जी, किसानों को इलेक्शन टाइम पे क्यों याद आता है अपना MSP? किसान लगातार 3 साल से आपने कहा है वो अपना हल लेके आए, वो कौन सा हल लेके आए? किसानों को हथियार तो हल वो लेके आए, तलवारें और पत्थर फेंक रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई गोली नहीं चलाई। किसी पुलिस को गोली चलाने का ऑर्डर नहीं मिला, आज सुबह इसके गोले छोड़ गए हैं सिर्फ जो लाइव दिखाया है, लेकिन आप कह रहे हैं वो तो तलवार लेके चढ़ गए हैं, वो आपको कहाँ से लग रहे हैं? अच्छा, इलेक्शन टाइम में क्यों आ रहे हैं? एक महीना इलेक्शन को रह गया है, उससे पहले कहाँ थे ये? इनको जागरूक किया ना किसी पार्टी ने स्पेशली? किस पार्टी? आप समझ आ रहे हैं शरा किसको? जो मोदी से डरते हैं वो बुलाते हैं, ये स्मार्ट मूड है। इलेक्शन टाइम में बुला लो मोदी जी को, किसी ने नीचे दिखाना है, मोदी जी को नीचे दिखाना है। एक बात सुनो, मुसलमान कंट्री के अंदर मंदिर बन के आपने देखा कभी? दुबई के अंदर मंदिर बन गया, UAE के अंदर, अब इंग्लैंड के अंदर बनने वाला है, कभी सोचा था? हम तो हिंदू, चलो हिंदुस्तान में तो बना दिया 500 सालों बाद, लेकिन एक मुसलमान कंट्री के अंदर राम मंदिर का जिक्र इन्होंने छेड़ दिया है। नहीं, राम मंदिर का जिक्र इन्होंने छेड़ दिया है, प्राण प्रतिष्ठा, ऐसे मंदिर की गई जिसका निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। सर आपके पास आऊंगी। ऐसे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई जिसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, तो क्या BJP ने लोकसभा चुनावों को देखते हुए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवाई है? एक चीज से पहले मैं भाई का जवाब दे दूं, जैसे उन्होंने कहा तलवारें लेके आया हुआ है, एक मिनट रुके, इधर आ जाइए, बिल्कुल इधर आ जाइए। हाँ जी, जैसे अभी इन्होंने बताया कि वो तलवारें लेके आए हुए हैं या बहुत सारे हथियार लेके आए, मैं कहूँगा भाई को एक वीडियो मुझे दिखा दें जिसके अंदर तलवारें लेके आए हुए हैं, और मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसके अंदर वो गोली चलाते हुए पुलिस वाले साफ नजर आ रहे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वीडियो दिखाऊंगा जिसने वो उसने ट्रैक्टर लेके सीधा पुलिस वालों पर चला दी, मेरे पास ऐसी वीडियो है। दूसरी स्टेट में आने के लिए रोकेंगे क्या? वो स्टेट के नागरिक नहीं है, भारत के नागरिक नहीं है? आपने इस तरीके से 5-5 लैंटर वहाँ पे डाल के रख दे जैसे पता नहीं दूसरी वो कंट्री हो, आप स्टेट नहीं दूसरी कंट्री से आ रहे हो, ऐसे तरीके से आपने रोक दिया। पुलिस तो अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी, लॉ एंड ऑर्डर। अब बात करते हैं प्राण प्रतिष्ठा की, राम मंदिर की, जैसे भाई ने करी राम मंदिर बना दिया। एक सेकंड महाराज, आप सब बोलना। अब राम मंदिर की हम लोग बात करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर उसके ऊपर बात करते हैं। अगर हम अपना घर भी बनाते हैं ना, हम अपना वो भी मानते हैं कि अगर हम अपने घर का कहीं रेनोवेशन या तैयार करते घर को, तो जब तक बहुत अच्छे तरीके से तैयार नहीं हो जाता ना, तब तक हम अपने घर के अंदर भी एंट्री नहीं मारते। मगर राम मंदिर जो एक डेट चुनी गई 22 फरवरी, और पता था इलेक्शन 2 महीने बाद है, बाईस जनवरी डेट इन्होंने चुनी और 2 महीने बाद इलेक्शन थे, वेट कर सकते थे, कोई बात नहीं 5 साल पहले। अब इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन के बाद तैयारी पूरी हुई नहीं, शंकराचार्य चारों नाराज हैं, उन्होंने भी अपना करा, बस अब पहुंच लिए, अब वही है, यही दर्द है। अपने 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 आस पास हम लोग नहीं देखते मंदिर सफाई, पर दूसरी तरफ इसलिए देखते क्योंकि इलेक्शन का एक मुद्दा। बहुत लोग, अच्छा एक मिनट, बहुत लोगों को तकलीफ है। अच्छा चढ़िए मत पीछे गई। अच्छा चलिए ठीक है, धार्मिक सुनिए सवाल लेने दीजिए सुनिए बात। राम मंदिर बन गया, विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है, इस बात का जवाब? विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि कोई ऐसा अच्छा काम हो जिससे मोदी जी की वाहवाही हो। तो लेकिन चारों शंकराचार्य भी तो नाराज है, सनातन धर्म की नींव है शंकराचार्य। घर में भी हम सबको खुश नहीं कर पाते, बिजनेस करते हैं उसमें भी हम सबको खुश नहीं कर पाते, हर एक को सेटिस्फाई करना पॉसिबल नहीं होता। मंदिर की तुलना आप मकान से कर रहे हैं, और जो मोदी जी ने पाकिस्तान में गुरुद्वारा खुलवा दिया वो क्या था? चार शंकराचार्य सनातन धर्म की नींव है, किसी ने विरोध नहीं किया, किसी भी शंकराचार्य ने विरोध नहीं किया। ये एजेंडा बनाया गया मोदी विरोधी और देश विरोधी और मंदिर विरोधी। कहाँ से आए सर आप, पहले मुझे बताइए कहाँ से? मैं यही रहता हूँ और मैं खुद अयोध्या हूँ। आप कहाँ से देख कर आए कि चारों में से किसी भी शंकराचार्य ने विरोध नहीं किया? शंकराचार्यों ने बाद में चिट्ठी दी और उन्होंने कहा कि हम व्यक्तिगत कारणों से नहीं आ सकते, लेकिन हमारा समर्थन है। मैं खुद अयोध्या जाके राम मंदिर देख कर आऊँ, जो उसका गर्भगृह पूरा कम्प्लीट है, लाखों लोग आके दर्शन कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं कि लाखों लोग बेवकूफ़ है जो मंदिर में जाके दर्शन कर रहे हैं, लाइनों में लग रहे हैं 4-4 घंटे की? ये राम मंदिर पूरे देश की प्रतिष्ठा का, हिंदुओं का एक प्रतिबिंब था जिसको बना, और पूरा देश को आप 22 तारीख को आते हैं यहाँ कृष्णा नगर में, आप देखते हैं एक एक गली एक एक बाजार सजा हुआ था लोगों की श्रद्धा, इसमें किसी का कोई विरोध नहीं है। राम मंदिर बनना चाहिए था, राम मंदिर बना है, देश की अस्मिता, देश की संस्कृति और देश का जय श्री राम।
कोई इसके विरोध में नहीं है, कोई इसके विरोध में नहीं है। देखिए जो इसका विरोध कर रहे हैं वो राम मंदिर विरोधी लोग थे। हमने देखा है कि केजरीवाल कैसे राम मंदिर के विरोध में बोलता था, मेरी नानी कहती है अस्पताल खोल दो, ये खोल दो, और वो केजरीवाल अपने मंत्रिमंडल को लेके राम मंदिर के दर्शन करने गया। अब सभी विरोधियों के मुंह बंद है और भगवान श्री राम की पताका पूरे विश्व में फैल रही है। जय श्री राम। तो राम सिर्फ बीजेपी के हैं क्या? बस वो मना देना अपना, उन्होंने मुद्दा बनाया राम सिर्फ बीजेपी के हैं। केजरीवाल जी कह रहे थे कि मैं गठबंधन नहीं करूंगा, अपने बच्चों की कसम, कांग्रेस पार्टी आप है तो वही पार्टी गठबंधन करके आ रही हैं, तो अपना वो सब कुछ भूल गए, पिछला वो दोगले हैं और कहते क्रिकेट की तरह रंग बदलते हैं, उनका जींद मान कुछ नहीं है। मैं भी मैडम यही सोचा था, मेरे अकाउंट में 15 लाख रुपए हैं, 15 लाख से मैं बुलेट ट्रेन में बैठ के कोई स्मार्ट सिटी देखने जाऊं, पर अभी तक कोई वो ना मिली नहीं, 15 लाख रुपए अकाउंट में नहीं आए। वंदे मातरम ट्रेन में सफर कीजिए, वो बुलेट से कम नहीं है, 15 लाख रुपए अकाउंट में नहीं आए। चलिए ठीक है, यमुना जी साफ हो गई, डुबकियां लगा दी, पूरी यमुना में डुबकियां लग गई, कूड़े के पहाड़ भी साफ दिख रहे, कूड़े के पहाड़, दिल्ली को लंदन में तो साफ पानी आ नहीं रहा, एक घंटा पानी आता है, मेरा खुद बिल 26,000 रुपए का इस साल का, और जबकि एक घंटा सिर्फ पानी आता है, लाखों की दिल्ली में 24 घंटे पानी आएगा। केजरीवाल जी के हर साल एक नया इंटरव्यू आता है कि दिल्ली में 24 घंटे पानी दूंगा, लेकिन मेरे घर में 1 से 1.5 घंटा पानी आता है सिर्फ, पूरे दिन में 1 से 1.5 घंटा पानी, और आधी से ज्यादा कॉलोनियों में अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले ही पानी साफ आना शुरू हुआ होगा मेरी गली में, वरना मेरी गली में नाली का पानी आता था। ठीक है, एक मिनट सर, भगवान नाम के नाम पे एक बात बोलना चाहूंगा। मंदिर किस भगवान का बना? श्री राम का। श्री राम जब वनवास काट के अयोध्या वापस लौटे ना, तो उनको टोक दिया धोबी ने, क्या किया? तो वो तो भगवान राम को टोकने वाली जनता बैठी है, ये तो नरेंद्र मोदी है, भगवान श्री राम के आगे मोदी जी का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर भगवान राम को लोग टोक देते हैं तो भगवान मोदी जी को भी टोक देंगे। पहली बात ये बताऊंगा, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, भगवान राम का मंदिर बना, अब तो मथुरा की बारी है, अभी तो देखे जाओ क्या क्या भगवान क्या क्या आते हैं, अभी बहुत मंदिर बनेंगे। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा, हमेशा जो भी नेता है वो फ्यूचर टेंस में बात करता है, हम एक आम नागरिक है, एक कभी प्रेजेंट और पास्ट में भी तो देखो, अभी एक बहुत बड़ी महामारी आई कोरोना की, लोगों ने कहा था 10 लाख वैक्सीन रोज लगाओगे तो 10 साल में नंबर आएगा, तब तक तो सारे मर जाएंगे। मैडम पहली डोज लग गई, दूसरी डोज लग गई, बूस्टर लग गया, विदेशों में सप्लाई हो गया, कहाँ गई वो कोरोना की दवाई? क्या वो उपलब्धि नहीं है? बहुत बड़ी उपलब्धि है वो। मोदी की उपज है, कहते हैं ये वक्त नहीं है सोने का, जागो वीरों की संतानों, ना जागे तो मिट जाओगे, अपने आप को पहचानो, तुम सेवा सी तलवार बनो, अर्जुन से तीखे तीर बनो, अभिमन्यु साहस रखो, बजरंगी से तुम वीर बनो, है एक तरफ संगीले तो सीना ताने बड़े चलो, राम नाम की मस्ती में ए मस्त दीवाने बड़े चलो, कह दो ललकार के दुनिया से, मोदी को फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे, जिसने राम का मंदिर बनाया उसके सर पर ताज सजाएंगे, अपनी ना किसी से रंजिश है, अपने रंजिश है, अपनी ना किसी से लड़ाई है बात अपने ये गौरव की, ना समझो तो बुराई है, ये राम जन्म भूमि अपनी अपने बेटों को पुकार रही, गैरतमंदों की गैरत को धिक्कार रही, ललकार रही, अब धर्म युद्ध का बिगुल बजा, सर कफन बांध लो दीवानो, बलिदानी का मौसम आया है, ए क्षमा धर्म के परवानो, भगवा झंडा हाथों में ले, कहो राम लला हम आए हैं, जो जान तुमने दी हमको वो जान हथेली लाए हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। राम राम मंदिर की इतना अभी बात चल रही है, प्राण प्रतिष्ठा में बॉलीवुड की तमाम हस्तियां थी, कहां थे जेपी नड्डा, कहां थे अमित शाह? देखिए मोदी जी थे वहां पे, मेरे को लगता है सब कुछ पूरा हो गया उनके साथ ही, मंदिर बनना था और मुझे लगता है आज नहीं, आज से 10-15 साल पहले बन जाना चाहिए था, क्योंकि अगर वो भगवान राम की जगह है तो मंदिर वहाँ पे हर हालत में बनना चाहिए था, बात खत्म हो जाती है। सेकंड, अभी पीछे किसी ने कहा कि जी वो किसानों की बात करूँ, क्या सेंस बनती है और क्या तहजीब बनती है कि अगर सिखों की जैसी कौम को, जिसने सर्वंश वार देश के लिए, जो आज तक देश के बॉर्डरों पे खड़े लड़ रहे हैं इस देश के लिए, कोरोना में जिन्होंने लंगर लगा दिए, जिन्होंने लाशों के संस्कार किए, जिन्होंने ऑक्सीजन के लंगर लगा दिए, आप उनको बिना किसी बात के खालिस्तानी बोल देते हैं, कहाँ की तहजीब है ये, किसने सिखाया, किसने ये नैरेटिव खड़ा किया, कौन जवाब देगा इस चीज़ का?
बहुत बड़ा सवाल है ये। अलवर में एक सभा में जहाँ बड़े बड़े नेता मौजूद थे, एक नेता खड़े होकर कहते हैं कि जी गुरुद्वारे जो है नासूर बन चुके हैं, इनको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। बाद में उसने माफी मांगी। कोलकाता में एक पुलिस के IPS अधिकारी को, जो कि ऑन ड्यूटी ड्रेस में खड़ा है, उसको खड़े होकर बोल देते हैं जी खालिस्तानी आ गए हैं, किसान वहां पे अपना हक मांगने के लिए खड़े हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। ठीक है, उनका तरीका थोड़ा एग्रेसिव हो सकता है क्योंकि सालों से वो परेशान है, सालों से वो मर रहे हैं, उनके उधार उनके सिर पर चढ़े हैं, बड़े बड़ी कंपनियों के लोन आप लोग करोड़ लाखों करोड़ों रुपए आप माफ कर देते हो किसानों का थोड़ा बहुत लोन माफ करने में, और वो मांग के रहे मिनिमम सिक्योरिटी प्राइस, मिनिमम सिक्योरिटी प्राइस मांग रहे हैं, मिनिमम, वो कोई मैक्सिमम प्राइस ही मांग रहे। जितना सामान बाजारों में बिकता है सब MRP पे बिकता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे बिकता है, और वो मिनिमम सिक्योरिटी प्राइस मांग रहे हैं, उसमें भी लोगों को तकलीफ हो रही है, उसमें भी सिखों को या किसानों को खालिस्तानी बोल देना कहाँ की तहजीब है। मुझे इससे बड़ी ऐतराज है, खुली ऐतराज है इस बात के ऊपर। हर पार्टी को, चाहे वो BJP हो, कांग्रेस हो, आप हो, ये समझना चाहिए कि देश एक मुट्ठी है, सबके सब इकट्ठे खड़े हैं, ये मिलके खड़े हैं तभी देश चल रहा है। किसी एक कौम को बायकॉट कर देना, किसी एक कौम के अगेंस्ट में इस तरह के नैरेटिव बनाने की कोशिश करना देश के साथ दुश्मनी है, देश के साथ गद्दारी है, और वो भी उस कौम के लिए जो देश के लिए मर मिटने के लिए अपनी जानें देने के लिए तैयार है। हम पैदा भी इंडियन हुए थे और मरेंगे भी इंडियन, लेकिन अगर कोई हमें इस तरह का नैरेटिव बताएगा तो बताओ क्या फील होगा और कैसा गुस्सा आएगा। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं आप, राहुल गांधी, देखिए देखिए सुनते ही हंसी आ गई है। राहुल गांधी के बड़े अच्छे दोस्त, मुझे भी ये लग रहा है, फोन पे बात करते हैं। नहीं, एक्चुअली उनका नाम आते ही मेरे, नहीं आपने देखा होगा, जोश आ जाता है, घुमाए तो सभी के चेहरों पे जोश आ जाता है, कि लगा कि कुछ नया अब चुटकुला सुनने को मिलेगा। चलिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, क्या 24 के चुनावों पर कोई असर होने वाला है इसका? कैसे मैडम असर कैसे होगा, जो पार्टी पूरी लोकसभा सीटों पे चुनाव ही नहीं लड़ रही तो देश की पब्लिक कैसे विश्वास करेगी उस पार्टी के ऊपर, मैं ये जानना चाहता हूँ। आप पूरी लोकसभा सीटों पे चुनाव तो लड़िए, आप पब्लिक को ये तो दिखाइए कि हम कुछ करेंगे। अगर आप 25 लोग 26 लोग दावेदारी ठोकेंगे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो किसको बनाओगे, देश की पब्लिक विश्वास किस पे करे, केजरीवाल पे करे, ममता पे करे, मायावती पे करे? केजरीवाल पे करना चाहिए, केजरीवाल पे करेंगे तो दिल्ली का जो हाल हो रखा है, आप क्या नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बनाया है दिल्ली में केजरीवाल ने, सिर्फ वोट आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एक पर एक फ्री मिल रही थी सर, अभी फ्री तो मिल रहा है, एक रोना तो यही हो रहा है कि एक पे एक फ्री, और सिर्फ क्या करा जा रहा है केजरीवाल के द्वारा, जो पब्लिक को, दिल्ली की पब्लिक नहीं सारे पूरे देश की पब्लिक को ये समझना जरूरी है कि हमारे को अगर फ्री लेना है या देश के लिए भी सोचना है, दोनों चीज़ें जरूरी हैं। फ्री ले, अगर ये फ्री के चक्कर में पड़ेंगे तो केजरीवाल को वोट देंगे, फ्री के चक्कर में पड़कर दिल्ली की एक भी, मैंने लास्ट, मेरे को याद है कि शीला दीक्षित जी ने नए पुल बनाए थे यहाँ पर गीता कॉलोनी में, उसके बाद से जब से केजरीवाल की सरकार बनी है कोई एक नया फ्लाईओवर, कोई एक नई रोड चौड़ी नहीं हुई है, कोई नया एक ब्रिज नहीं बना है, क्यों नहीं बना है? केजरीवाल जी से डायरेक्ट मेरा ये क्वेश्चन है कि क्यों नहीं बना है, क्यों नहीं चोरी हो रही सड़कें, क्यों नहीं गली में पार्किंग की दुविधा इतनी हो रखी है? दिल्ली में आज अगर थाने में चले जाओ तो 100 में से 99 केस पार्किंग के झगड़े के हो रखे हैं, क्यों नहीं पार्किंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है दिल्ली में, क्यों नहीं रोड चोरी हो रही है, एक्सीडेंट इतने क्यों हो रहे हैं दिल्ली शहर में, क्यों अगर पूरे अगर केजरीवाल जी के पास फंड आ रहा है तो वो क्यों सिर्फ वोट खरीदने में, पानी फ्री, बिजली फ्री, बस फ्री, इन सब चीजों में बिल पे बिल आ रहे हैं लोगों के, पानी पानी दिया नहीं जा रहा, टैंकरों से 2-2 हजार रुपए लेकर टैंकर पहुंच रहे हैं, मगर उसके बाद भी पानी के बिल आ रहे हैं और बोल रहे हैं हम पानी के बिल माफ कर देंगे। पानी का बिल माफ कौन करेगा? पानी पे राज किसका है? पानी पे राज केजरीवाल का है, और उसके बाद भी वो किसको कह रहा है मैं फ्री कर दूंगा? आप करो ना फ्री, आपके हाथ में है पानी का पूरा सिस्टम, तो आप फ्री करिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? मगर पहले पानी तो पहुंचाइए ना, आप ये ईस्ट दिल्ली को छोड़ के आप दूसरी कॉलोनियों में जाइए, देखिए कैसे टैंकर पे लोग मारा मारी कर रहे हैं, तो वहां जाकर देखिए पानी का क्या हाल है। ये चीज अच्छा अभी बोला है माननीय हमारे इतने अनुभव वाले राहुल गांधी जी, जोड़ो यात्रा उनकी अपनी पार्टी के अंदर, पूरा बोलिए सर ऐसे, जोड़ो जोड़ो, नहीं नहीं नहीं, नहीं पूरा पूरा अनुभव, गुड़वी यशवी जी बोलूंगा, जितने अच्छे हमारे राहुल गांधी हमने बोला है आपने, अब जोड़ो यात्रा उनके अपने बंदे तो उनसे जुड़ नहीं रहे, उनके अपने पार्टी के अपने उनसे तोड़ के नाता जा रहे हैं। आपने जोड़ने की बात कर दी तो इंडिया गठबंधन के बारे में फिर कुछ बता दीजिए, इंडिया गठबंधन है कहाँ, बचा कहाँ है, कितने बंदे रह गए हैं,
उसमें रहते हुए सारे रह के गिनती के दो या तीन वो भी कभी भी नहीं जगा सकते हैं। अब तो नीतीश कुमार की वो जोड़ जाता तो मैं थी, अब तो अन्याय रत्न लेकर निकले हुए हैं। बीजेपी वाले सुन ले, नीतीश कुमार के आप लोगों ने बात छोड़ दी, खुद ही फंस जाएंगे। बीजेपी ने मना किया था, अमित शाह ने मना किया था, नीतीश कुमार को कभी नहीं लेंगे पार्टी में। आपने गठबंधन की बात करी, मोदी जी ने ना, एक मिनट सुनो, मोदी जी ने नोट छीन के वोट लिए थे, नोटबंदी करी, उसके बाद इलेक्शन जीता था। इसे कहते हैं नोट छीन के वोट जीतना, नोट बांटे नहीं, ये उल्टा हिसाब है। वो कहते हैं पहले मैं वो इंजेक्शन लगाते हैं लोग, जब नोट बंद हुआ रातों रात तो लोग कहते थे नोट बंद कर दिए, मोदी जी किसी कीमत पे नहीं आएंगे। हर कोई ये कहता है यार नोट बंद कर गए हो गए तकलीफ है, लेकिन वोट मोदी जी को दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि मोदी जी काम इतने सारे कर देते हैं, इतने सारे कर देते हैं। आज आप एक बात समझ लेना, पिताजी की डांट तब खाते हैं जब पिताजी खिलौने ला के देते हैं, तो वो डांट भी देते हैं और काम भी करते हैं, खाली वादे नहीं करते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा कि हमारे देखो यहाँ पे आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, मैं किसी एक पार्टी के पक्ष में नहीं बोलना चाहता, लेकिन जब कोई चीज़ नज़र आती है ना तो दिल से आता है कि कुछ बोलना चाहिए। अभी 24 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर जो है केजरीवाल जी ने एक शब्द बोला कि जितने भी पानी के बिल हैं वो सेटल किए जाएंगे। सेटल? सेटल मतलब कि माफ़ कर दिए जाएंगे जिसका भी वो पानी का बिल है। और 26 तारीख को मुल्तानी मोहल्ले में जिनके गोडाउन बंद हैं उनके 2.5-2.5 लाख के बिल आ गए। ऐसा मत करो, पहले फर्जी बिल भेज दो उसके बाद में सेटल कर दो, ये तरीका नहीं है। हमें तो ये देख रहे थे, सदियों से धारा 370 चल रही थी हटा दी गई। हम तो ये देख रहे थे कोरोना से बहुत लोग मर रहे थे, दवाई दिलवा दी गई। हम लोगों को पैसे के लेन देन में प्रॉब्लम थी, डिजिटाइजेशन कर दिया। हम लोगों को दिल्ली से बॉम्बे जाने में बड़ी मुश्किल होती थी, राष्ट्रीय महामार्ग बना दिए गए। ऐसे इतने काम हैं जिन्हें आपको पता ही नहीं है। आज खाली मोदी जी नहीं है, आज हमारे मोदी जी हैं, आज हमारे अमित शाह जी हैं, आज अगर हम विदेश मंत्री जयशंकर जी की बात करें वो इतनी बेहतरीन चीज़ें करते हैं। रशिया से पेट्रोल ले रहे हैं, तो यूएस को भी बोल देते भाई मैं लूँगा, उन्हें रोकने वाला नहीं है। हम काम करेंगे क्योंकि हमें जहाँ फायदा होगा हम वो काम करेंगे। ये बात कहने का दम आज मोदी जी की वजह से शंकर जी के पास में है। आज हम बड़े गर्व से भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत की तरह देश में चल रही है, क्योंकि क्योंकि मोदी जी का जो नेतृत्व देश को मिला पिछले 10 साल में, उसमें विदेश में जो हमारे दुश्मन देश हैं वो भी परेशान है और वो चाहते हैं कि कैसे मोदी को हटा के देश को दोबारा गर्त में लाया जाए। लेकिन देश की जनता ने इस बार सोच लिया है कि तीसरी बार मोदी जी को फिर से देश की भागदौड़ देनी है, इसलिए 400 पार का मोदी जी तो 370 कह रहे हैं लेकिन जनता कह रही है 400 पार, और 400 पार होगा देश को। मोदी जी का नेतृत्व अभी 5 साल और मिलेगा और देश जो विकसित भारत की तरफ जो बढ़ रहा है, जो देश तरक्की कर रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे डिजिटाइजेशन है, चाहे वो अंतरिक्ष है, चाहे इंटरनल है, चाहे रोजगार है, सभी में देश आगे बढ़ रहा है। हम चाहते हैं कि ये जो तरक्की है देश की ये कंटिन्यू रहे। आंटी मुझे एक बात बताओ, देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री अभी तक कौन है, आपको कौन पसंद है? अरे हमको क्या पसंद है, जब केजरीवाल ये बोल रहा था कि हम आते ही पक्के कर देंगे, हमें 15 साल होगी 16 साल होगी, आज तक हम परमानेंट नहीं करे गए हैं, तो हमारा क्या करेगा वो? दुनिया के पानी करो या किसी के लिए क्या करो, हमारे बच्चे छोटे हैं तो हम बच्चों को कैसे पालेंगे? बुढ़ापा हमें आ लिया, 15-16 साल में हमें बुढ़ापा आ लिया, तो हम क्या करेंगे? हम माली हैं पार्क के, तो हम क्या हमें परमानेंट नहीं कर सकते क्या? ये कहते थे कि हम आते ही सार आपको परमानेंट करेंगे और अब तक भी हमारा कोई नाम निशान है ही नहीं, तो बताओ हम क्या कर सकते हैं? माली, ये माली है हम और माली कम हो गए, पार्कों में कोई माली नहीं है। 18-12 के 3 माली हैं और इनकी तनख्वाह टाइम पे नहीं आती है। कितनी तनख्वाह नहीं आती? तनख्वाह टाइम पे नहीं देते है। कितनी क्या तनख्वाह? कितनी हमारी? 14 है। कितने महीने में आती है, कितने दिनों में आती है, क्या टाइम है? कई कई महीने में आती है, कौन सी महीने दर दे रहे? जो हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, राशन वाला भी राशन नहीं देता जब हमारी तनख्वाह आती है। सर मुझे एक बात बताइए, कितने टाइम से, मैं जानना चाहता हूँ कितने टाइम से आप एमसीडी में जॉब कर रहे हो? 15 सालों की 2009 में हम लगे हुए थे। हाँ जी, ऑफिस हो गया तो अभी तो मुझे यही प्रॉब्लम यही है। देखिए एक मिनट मुझे ये बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। प्रॉब्लम यही है, अब बात करते हैं सबसे पहले पानी के बिल के ऊपर।
पानी के बिल जिनके भी आ रहे हैं, अगर उनकी 20 यूनिट महीने की है और उसके ऊपर बिल आ रहा है तो मुझे शो करके दिखा दें कि उसके ऊपर इनका बिल आ वो जीरो आया होगा। अगर इनकी यूनिट जो कंजप्शन इनके 20 यूनिट से अगर ऊपर है, कंजप्शन इनकी 20 यूनिट से 21 पे हो जाती है तो इनका बिल बन के आ रहा होगा। लोग खुद ही नहीं देखना चाहते, साल साल से बिल्स नहीं आए हैं, शॉप मीटर है नहीं है, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं, इस वजह से लोगों के बिल आ रहे हैं। सेकेंड, अभी बात करी जैसे मातानी ने बात करी कि एम सिटी की सरकार अब आई है आम आदमी पार्टी की, 14 साल से तो बीजेपी राज कर रही थी, तब नहीं सोचा जाता कि ये भी पक्के नहीं किए या किसी ने पक्के नहीं किए। आज से पहले जब एम सी डी में सॉरी आपकी सरकार आई है जब से, तब से पहले शायद एल जी को कोई जानता भी नहीं था, किसी को पता ही नहीं होता था एल जी कौन है। पर आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद आज आप बच्चे बच्चे से पूछो एल जी कौन है, क्यों? क्योंकि हर काम में रोड अटकाने के लिए इन्होंने ऊपर से एक अपना मोरा बिठा दिया है। ये काम वहाँ पे उन्हें नहीं करने देना, जो फाइल वहाँ जाती है वो साइन होकर वापस ही नहीं आती है। इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम का जो है सामना करना पड़ रहा है इसको। कोर्ट से हम लोग जीत गए थे, सर्विसेज हमारे ऊपर आ गई थी, उसके बाद एक ही दिन के अंदर अध्यादेश लाके उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया गया था। क्यों पलट दिया आपने? आप बताओ, अब आप कह रहे हो जी एल जी तो यही जा रहा हो जा रहा, आप अध्यादेश लगे जब सर्विसेज आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट ने दे दी थी, हम लोग केस जीत चुके थे, हम केस जीत चुके थे, उसके बाद एक ही दिन में आपने अध्यादेश लाके, 4 साल से 5 साल से केस चल रहा था जो सुप्रीम कोर्ट से जीते, उसका अध्यादेश लाके पलट दे। क्यों? क्योंकि काम ही नहीं करना देना चाहते। आज पूरे भारतवर्ष में ही चल रहा है, सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। पानी 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 की जो समस्या की बात कर रहे हैं, आज ही एल जी का वक्तव्य आया है कि फरवरी के अंदर जो मिनिस्टर ने फाइल साइन की फरवरी में, और दूसरा दिल्ली जल बोर्ड पूर्व स्वामित्व है दिल्ली सरकार का, वो डिसीजन लेने के लिए खुले हैं। एलजी ने खुद कहा कि आपकी जल बोर्ड है, आप इस पे डिसीजन ले लिए, फाइल मेरे पास क्यों भेजते हैं? आपका काम है, आप इस पे डिसीजन, फाइल मेरे पास, और फाइल कब आई? फरवरी पे साइन होके, और अभी तक सरकार ने कैसे इसे जीरो करेंगे कैसे करेंगे उस पे भी डिसीजन, लेकिन क्योंकि इन्हें काम करना नहीं है इसलिए हर जगह एलजी का नाम घसीटा जाता है छोटी से छोटी। इससे पहले एलजी सबके काम करते थे, और एलजी खुद क्लैरिफाई करना पड़ रहा है उन्हें कि फाइलें मेरे पास आती नहीं है, एक एक साल बाद फाइल आ रही है, विधानसभा के अंदर आप प्रस्ताव पारित करके रख देते हैं। एलजी ने खुद लेटर लिखना पड़ा, क्योंकि एलजी एक संवैधानिक पोजीशन है, रोज आके गली मोहल्ले की लड़ाई की तरह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, ये उनका फायदा उठाते हैं और लगातार एलजी को कोसते हैं, लेकिन एलजी ने खुद क्लैरिफाई किया कि एक साल बाद आई और वो अभी फरवरी में आई। और फिर एलजी ने कहा कि जो जल बोर्ड के बिल है वो आपका मसला है, आप खुद सॉल्व कीजिए, मेपा फाइल क्यों भेजते हैं, तो उसका जवाब ये दें। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि निगम के अंदर आने के बाद इन्होंने वादा क्या किया था पब्लिक को कि जितने कच्चे कर्मचारी उन्हें पक्का किया जाएगा, 1 तारीख को सैलरी दी जाएगी, और इसकी इन्होंने बोला कि ये हमने गारंटी पूरी कर ली, लेकिन आज भी कर्मचारियों को 1.5-2 महीने बाद सैलरी मिल रही है, कोई भी कर्मचारी पक्का नहीं हुआ। कमिश्नर ने ऑन रिकॉर्ड जब बजट पेश किया 428 कर्मचारी, वो भी लेफ्ट ओवर केसेस पक्के हुए पूरे एक साल में, तो ये अपने वादे पूरे नहीं कर रहे, सिर्फ एलजी को दोष देते हैं और केंद्र सरकार को दोष देते हैं। इसका खमियाजा केजरीवाल को आने वाले लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा, और मोदी सरकार जो दिल्ली के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके सिक्योरिटी के लिए अस्पतालों के लिए जो काम कर रही है, जनता उस पर वोट देगी। मैम एक मिनट, अभी लोकसभा चुनाव की सर ने बात करी, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 3 पर कांग्रेस, आखिर ये बात कैसे बनी, क्या अंदर की बात है, मुझे ये बताइए पहले। देखिए गठबंधन तो हर किसी ने बनाया हुआ है ना, क्या एनडीए गठबंधन नहीं है? एनडीए ने भी अपना गठबंधन बनाया हुआ, आज जोड़ तोड़ नीतीश कुमार को भी लेके आ रहे हैं, किसी तरीके से जयंत चौधरी को भी लेके आ रहे हैं, अगर जो नहीं आता तो ईडी उनके लिए तैयार करिए, या तो भैया अंदर को आ जाए नहीं तो ईडी के अंदर चला जा। तो ये हथियार इन्होंने इनकम टैक्स ईडी के बहुत अच्छे तरीके से तैयार किए हुए हैं, और तो मतलब अब ईडी बीजेपी ने हथियार तैयार करा है ईडी को, तो ये बात मान ले कि पंजाब में आपकी सरकार है तो आप लोगों ने भी तैयार कर रखा होगा फिर। अगर ईडी सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पे चल रही है मैडम, आज तो आप देख ही रहे हो पंजाब, आज 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 पंजाब नहीं हुआ, आज आज पंजाब का भी हाल देख लो क्या बना रहे हैं। नहीं हुआ समझौता, दिल्ली में समझौता हो गया, पंजाब में लड़ेंगे अलग अलग। आज किसानों का हाल देख लो पंजाब के अंदर भी क्या करके रखा हुआ है। एलजी पर रहे कितने मंत्री, ईडी का जवाब देना चाहता हूँ। अगर ये बात आओ, ये कहते हैं ईडी, मेरे मंत्री को ईडी, आपने कभी शराब की बोतल में स्कीम सुनी थी? एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री आज तक भी। अच्छा अच्छा ईडी, ये तो चलो ऑफर हो गई। नहीं नहीं एक बात सुनिए, सबसे बड़ी जमात इस्लामी को मैं बताना चाहूंगा,
अगर ये ठेके प्राइवेट इतने स्ट्रॉन्ग थे, इतने ऐसे पावरफुल थे, अच्छी इनकम मिली, तो वापस क्यों लिए? सरकारी क्यों बनाया दोबारा? अगर सरकारी प्राइवेट ठेके लोगों को इतना अच्छा बेनिफिट मिल रहा था, ऑफर्स भी मिल रहे थे, डिस्काउंट भी मिल रहा था, बंदा सेल्फ सर्विस से खुद ढूंढता था मेरे को कौन सी फेवरेट है, मैं वो लोग निकाल लूँ, ऐसे इतने प्राइवेट ठेके हाई फाइव ना दिए थे, तो वापस क्यों लिए? पार्टी के लोग खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले ही बता देते थे कि अब ये मंत्री जेल में जाने वाला है, और वो और केजरीवाल जी का भी उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी है कि जब ये जेल में जाएंगे तो ये जेल के अंदर से ही शासन करेंगे, तो अब डेट भी बता दें कि भाई कब ये जेल में जा रहे हैं, क्योंकि जब सारा इन्हें पता ही है कि जेल में जाना है, पहले भी जो तीन इनके मंत्री और एक सांसद गया तो इन्होंने बता दिया कि ये सब जेल में जाने वाले, इन्हें पकड़ के दिखाओ पकड़ के दिखाओ, अब वो अंदर चले गए और कोर्ट उनकी जमानत नहीं दे रही, क्योंकि अगर जुडिशरी पर इन्हें विश्वास नहीं है तो अलग बात है, अगर जुडिशरी पर विश्वास है तो ये बताएं कि कोर्ट उन्हें क्यों नहीं जमानत दे रही, अब ईडी थोड़ी ना रोक रही है, अब तो केस कोर्ट में है, वो दोनों तरफ की बात सुन रही है, ये बिल्कुल क्लियर है कि भ्रष्टाचार करने की वजह से ही इनके मंत्री जेल में गए और केजरीवाल जी पे भ्रष्टाचार के बड़े संगीन जुर्म है और आने वाले समय में जेल में जाएंगे, जिसकी तैयारी आम आदमी पार्टी ने कर ली है कि वो जेल से ही शासन करेंगे, अब डेट बता दें ये कब वो जा रहे हैं जेल। देखिए आज हम लोगों ने आप ही के इलाके में आकर आपके ही बीच संवाद करने की कोशिश की है, लोकसभा चुनाव है इसीलिए जनता की हुंकार भी है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जनता ने किस तरीके से लोकसभा चुनाव की हुंकार भरी है। बोल भारत बोल के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे एक नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत, जय हिंद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।